पत्थर में भी जो संगीत जान डाल दे। रामलाल जी के सिर ऐसे ही संगीत सृजन का सेरा बांधा स्वयं संगीत रसिकों ने। संघर्ष के बेसुरे रास्तों से गुजरकर बेहद सुरीला संगीत रचने वाले संगीतकार रामलाल का अपना जीवन भी कोई बहुत सुरीला नहीं रहा। जिस तरह हमारी स्मृतियों में उनका सुरीला संगीत रचा बसा है, उसी तरह संगीतकार रामलाल जी की यादों में अनगिनत खट्टे मीठे प्रसंगों की अनुगूंज शेष है। तो आइए सुनते हैं वरिष्ठ संगीतकार श्री रामलाल से कमल शर्मा की बातचीत और साथ ही संगीतकार रामलाल जी की पसंद के गीत। रामलाल जी, स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में आपका, और हमारे श्रोताओं की ओर से, विविध भारती की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी नमस्कार कमल जी। रामलाल जी, आपका एक गाना है जिसकी पंक्तियां इस वक्त जहन में आ रही हैं, पंख होते तो उड़ाती रहे। तो ऐसा है कि ये बात तो बड़ी मुश्किल है, पंख तो हम लगा नहीं सकते, लेकिन यादों को पंख जरूर लगा सकते हैं। और यादों को पंख लगा के हम आपके साथ में वो जो दौर था पुराना, उस दौर में जाना चाहते हैं और वहीं से वो कहानी शुरू करना चाहते हैं कि जब पहली बार आपने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा एक कलाकार के रूप में। जी हाँ, ये कहानी कहाँ से शुरू होती जरा बताइए। ये कहानी यहाँ से शुरू होते कमल जी, कि मुझे पता चला था कि राम गंगोली साहब के भाई बनारस आए, मैं बनारस का हूँ। अच्छा, अच्छा। तो बनारस में हमने सीखा बड़े रामदास जी से, हमारे बड़े भाई साहब से, शहनाई गंगोली जी के पास में गया तो उन्होंने मेरी शहनाई और बांसुरी सुनी, सुनकर मुझे पृथ्वी थिएटर में ले आए। पृथ्वीराज जी का जो पृथ्वीराज जी का स्टूडियो में 80 रुपये महीने पर वहाँ से हमको लेकर आए थे उस वक्त 1942 में। तो वहाँ मैं थिएटर में बजाता था फ्लूट और शहनाई। अच्छा, शहनाई पर भी आपका अधिकार था और बांसुरी पर भी? हाँ, थोड़ा थोड़ा दोनों पर, कमाने खाने के लिए। तो आग में हमने बांसुरी भी बजाया और शहनाई भी बजाया। तो आग 46 में राज साहब की लगी। तो उसके बाद शानदार राम जी ने सुना मेरा बजाना और गाना, बसंत देसाई साहब ने सुना, वी शांताराम साहब ने बोला, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो दहेज में हमने बजाया शांताराम बाबू का 1948 में। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अन्ना साहब बोलते शांताराम बापू, तो बापू ने हमसे पूछा कि रामलाल तुम्हें पृथ्वीराज कितना देते हैं। मैं बोला साहब मुझे 150 रुपये देते हैं। तो बोले मैं तुम्हें 200 रुपये देता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। जितने भी उनकी फिल्म उनके बाद बनी है सब में मैं बजाया हूँ, और शहनाई भी और फ्लूट भी 3-32-4 राजसभा में बजाया हूँ। आप समझिए सुरंग में, परछाई, सुबह का तारा, अमर भोपाली, जो भी फिल्म बनी, नवरंग। यानी रामलाल जी, आपके भीतर वो जो एक संगीत के सुरों की मध्यम मध्यम आँच थी, वो जो बाहर आने की छटपटाहट की आँच थी, और जो भीतर एक सुरों की मध्यम मध्यम लय की आँच थी, उसे बाहर आने का मौका मिला उस आँच को फिल्म आग से, यानी कि आग में आपने पहली बार साज एक फिल्म बजाया। अच्छा, उसमें क्या बजाया आपने? उसमें हमने फ्लूट बजाया था और शहनाई बजाया था। मैंने जिंदा हूँ इस तरह उसमें फ्लूट बजाया, देख चांद की ओर उसमें फ्लूट बजाया, और शमशाद बेगम के गाना तो मैं शहनाई बजाया था। अच्छा, तो ये जो पहला हर आदमी का तजुर्बा होता है, कैसा लगा वो पहली बार और इतने लोगों के बीच में बजाना, और उसके बाद में उसकी सराहना मिलना? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बड़ा प्रेम से बजाया, और फिर हमारे गुरु थे राम गंगोली साहब। तो जो पहला गाना था जिसकी रिकॉर्डिंग हुई, उसकी रिकॉर्डिंग में कितना वक्त लगा होगा, कितने टेक में वो गाना पूरा हुआ था? कौन सा? जो गाना जिसमें पहली बार आपने साज बजाया था। वो आप समझिए शुरू हुआ था 9 बजे शुरू किए थे और 1 बजे तक खत्म हो गया। और कितने लोग थे? करीब उसमें 25-30 लोग होंगे। जय किशन जी ऑर्गन बजा रहे थे, शंकर जी तबला बजा रहे थे, मैं शहनाई और फ्लूट बजा रहा था।
तो आपने जब अपना संघर्ष शुरू किया फिल्मों का, जिस समय आप आए, तो उस समय शंकर जयकिशन साहब और फिर चाहे नौशाद साहब ले लें या और आपके समकालीन जो दूसरे भी संगीतकार थे, उन वो सब भी कहीं ना कहीं कुछ तो स्थापित हो चुके थे, कुछ का संघर्ष चल रहा था एस्टैब्लिश होने के लिए। तो आप बताइए, आपके जमाने में आप किन किन के संपर्क में आए, किन किन संगीतकारों के? मैं तो सभी संगीतकारों के साथ था, नौशाद साहब के साथ था, श्री रामचंद्र साहब के साथ था, बसंत देसाई साहब के साथ बहुत था मैं, आप समझिए राम गंगुली साहब के पास था, बहुत लोगों के पास मैं काम किया, जितने भी हैं पुराने उनके साथ पूरा मैं काम किया, आर सी बोराल साहब थे न्यू थर्स, उनके साथ काम किया, आपके गुलाम मोहम्मद थे उनके साथ काम किया, बहुत लोगों के साथ काम किया, अभी नयों में भी बहुत लोगों के पास काम किया। रामलाल साहब, ऐसा है कि स्वर जो होते हैं वो कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं, वो हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं, और जब हम कभी आंखें मूंदते हैं तो वो पुराना संगीत न केवल वो चित्र हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं, हमारे कानों में वो ध्वनियां, वो आवाजें लगातार गूंजती रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी जो आपने एक छेड़ सा दिया है दिल के तारों को, तो अब एक गीत भी आपका छेड़ना चाहते हैं हम। तो बताइए रामलाल साहब कि आज हमारे श्रोताओं को सबसे पहला गीत आप कौन सा सुनाना चाहते हैं? सबसे पहला गीत आप सुनाइए कमल जी, आग का, जिसमें मैं पहली दफा बजाया हूँ फ्लूट और शहनाई। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी, जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं, जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो सफर फिर आपका शुरू हुआ संगीत देने का, इसके बाद में भी आपने कितने साल तक फिल्मों में शहनाई और बांसुरी कलाकार के रूप में भाग लिया, या जो ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे आप, कितनी फिल्मों में और आपने संगीत दिया ऐसे? वैसे तो हमारे कई 18-20 फिल्में हैं, मगर सब छोटी छोटी हैं। अच्छा। नकाबपोश, हुस्न बानो, रंग महल, ऐसी ऐसी फिल्में हैं, माया बछंदर, ये सब आपकी वो फिल्में हैं जिनमें आपने स्वतंत्र संगीतकार? हाँ, 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 वही मजा। और लेकिन वैसे बतौर कि किसी में आपने जो फ्लूट के रूप में या मतलब बहुत है आपको मल जी, उसकी गिनती नहीं है, बहुत है। अच्छा, बांसुरी की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एक नाम आता है पन्ना बाबू, हमारे गुरु के गुरु भाई थे। अच्छा, और जब शहनाई की बात करते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम आता है। उनके साथ भी मैं बजाया हूँ गुंजुटे शहनाई में, वो भी बनारस के हैं, वो भी बनारस हैं। तो हमारे तो, भाग्य साहब उनके साथ बजाने का देखिए, और हमारा ये सौभाग्य कि आप हमारे साथ में मालिक की जय हो, कम से आपके साथ में हम वो जो खजाना है ना, अब ऐसा है कि उसके लिए ये कहेंगे कि लूट लेना चाहते उस खजाने को हमने। नहीं, खान साहब तो बहुत बड़े ऊंचे, बहुत बड़े गए। अच्छा। बहुत बड़े हैं, हम तो बच्चे थे, उनके शहनाई सुनकर शहनाई बजाता था। क्या बात है। तो आपने मुझे बताया कि 80 रुपए में आपको तनख्वाह मिलती थी, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट था या सैलरी के बेस? नहीं, महीने महीने था, महीने महीने था। अच्छा। हर महीने मिलता था, हर महीने मिलता था। और इसके अलावा कोई दूसरी सुविधाएं? कुछ नहीं,
कुछ नहीं। जब शांताराम बापू हमको बुलाए वहीं से फिर 200 रुपया शुरू हुआ। फिर बसंत देसाई साहब के साथ बाहर काम भी करना शुरू हुआ पिक्चर में, तो वहां से जरा हमको कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगे। अच्छा, आपको और कुछ याद है कि आपके दूसरे जो समकालीन संगीतकार थे उनको कितने पैसे मिलते थे? उनको कम मिलता था, हमको 150 मिलता था पृथ्वी थिएटर्स में, और शंकर जी को 120 मिलता था, और जयकिशन जी को 80 रुपया मिलता था। कौन वो लोग बाद में आए थे। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में आपने सबसे पहले वो कौन सी फिल्म थी जिसमें संगीत दिया था? टांगा वाला। अच्छा। टांगा वाला पी एस संतोषी साहब ने हमको दिया था 1950 में। राजकुमार संतोषी के पिताजी वो हमारे गुरु थे, उन्होंने हमको पहली फिल्म दिया था टांगा वाला, राज कपूर बिजंती माला। उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? कि उनका पागल खाना पिक्चर जो शुरू किए थे वो अधूरी पड़ी थी, वो बन नहीं पाई। तो जब फाइनेंसर को पता चला कि वो पिक्चर नहीं बन पाई तो टांगा वाला का फाइनेंस उसने बंद कर दिया, इसलिए टांगा वाला बन नहीं पाई। उसके गाने रिकॉर्ड हुए, उस गाने से हुसन बानो बनी। वो गाना खरीद कर हुसन बानो बनाए प्रोड्यूसर। गाना कौन सा था? प्यार करने का आया जमाना, अब चलेगा न कोई बहाना, हो प्यार करना पड़ेगा। लता भाई ने गाया था। बाबा। और एक गाना था वो, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, नाद सर का था, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, इस टाइप का गाना था। उस जमाने में पिक्चर 28 हफ्ते चली थी कानपुर में। तो सेहरा फिल्म आपको कैसे मिली? सेहरा फिल्म हमको ऐसे मिली कि हम रिकॉर्डिंग करके आ रहे थे, हमारे एक मित्र थे बरवे, वो हमको बताया कि शांताराम बाबू पिक्चर बना रहे अभी सेहरा, और काफी लोग ट्राई कर रहे हैं। तो मैं तो शांताराम बाबू को बोला था कि अन्ना साहब हमको भी पिक्चर आप दीजिए, तो बोले थे ठीक है हम देंगे, रामला टाइम आने दो। तो हम उनके पास चले गए, ये बरवे साहब की बात सुनकर हम चले गए राजकमल में, अन्ना साहब से मिले शांताराम बाबू से, और बोले हमको पिक्चर आप दीजिए। उन्होंने पूछा तुमने पहले पिक्चर कोई किया? हमने बोला साहब हम ये मैथोलॉजिकल पिक्चर किए, अभी अभी हमारी माया मिशंदर लगी, उसका रिकॉर्ड आप सुन लीजिए। तो बोले रामलाल तो रिकॉर्ड तो मैं सुना तुम्हारा, मगर तुम सामने हमको बैठ के सुनाओ क्या जानते हो, क्योंकि फिल्म में तो म्यूजिक कोई बनाता है। ऐसे बना बना के उस पर बोल लिखाए हैं, पंखों तोड़ जाती भी जितने भी हमारे गाने हैं सब पर बोल लिखा है। ये गाने हुसन बानो के, नागलोक के, माई पसंद के, ये सब बोल पर बनाए, बोल हमारे पास आए उस पर तर्जे बनाए, मगर ये सब तर्जे बनाकर उस पर बोल लिखाए। तो एक महीने के बाद हमारा एग्रीमेंट किए, और एग्रीमेंट के पहले पूरा राजकमल के स्टाफ पूरा हॉल में आके सब बैठ के सुने, उसके बाद हमारा एग्रीमेंट किए। तो ये एग्रीमेंट कितने का था? 500 रुपये महीने का था। आपने जब सेहरा का जिक्र छेड़ दिया है, और ये गाना खास तौर से, और इसके अलावा सेहरा के बहुत ही दूसरे जो गाने हैं, सभी गाने मैं समझता हूँ कि बड़े ही मन को गहरे तक छू जाते हैं। उसमें जो एक गाना खास तौर से, वो जो हमने जिसकी बात की थी शुरुआत में ही, कि पंख होते तो उड़ाती है, तो ऐसा है कि पंख लगाइए गीत को। हम चाह रहे हैं कि आप ये गीत हमारे सुनने वाले मुझे सुनाइए। सुनाइए।
जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि फिल्म टांगे वाला, वो ऐसी आपकी फिल्म थी जो आने वाली थी लेकिन बन नहीं पाई, है ना, उससे गीत आ गए उसमें, उस मानों में आ गए। उसके बाद कौन सी फिल्म आपको मिली फिर? उसके बाद नकाबपोश, अच्छा, रंग महल, ऐसी छोटी बहुत सी, कोई बनी कोई नहीं बनी, इस टाइप के सब मिलते हैं। फिर नाग लोक, फिर माय मच्छंदर, फिर नाग यज्ञ, कोई बना कोई नहीं बना। हमारी तीन करणा फिल्म भी बनी, तीन करणा फिल्म में भी नाम म्यूजिक दिया मैं, और वो भी अच्छी चली। बलू अपरपन्न में जोड़ी, दाहा, डोमरा कृष्णा, ये बेंगलोर में बनी थी, बेंगलोर में, वहां हमारा नाम उन्होंने रामलाल सेहरा के नाम से दिया था क्योंकि सेहरा फेम आपका पर्याय बन गया था। तो उन्होंने फेम को निकाल के सिर्फ संगीत भाई रामलाल सेहरा ऐसा दिया था कर्णा में। क्या बात है। यस पी बालसुब्रमण्यम साहब ने गाया, आप यस जानकी जी ने गाया, यशुदास जी ने गाया, वो लोग मेरा गाना गाए। रामलाल जी, ये बताइए कि जब सेहरा बन रही थी उस समय और कौन कौन सी फिल्में उसी की टक्कर में, या वैसे होता ना चैलेंज होता है कि साहब, और बड़ा ही स्वस्थ स्पर्धा जिसे हम कहते हैं ना, कि साहब इधर नौशाद साहब एक फिल्म में म्यूजिक दे रहे हैं, उधर सी रामचंद्र या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक फिल्म में संगीत दे रहे हैं, और उधर रामलाल जी भी अपने काम में जुटे हुए हैं। तो ये कुछ बताइए कि उस समय ऐसा भी कुछ था कि कोई कौन कौन सी फिल्में चर्चित थी या चर्चा में? नहीं, बहुत बरस पहले हमने सोचा था कि कभी नौशाद साहब की पिक्चर लगे और शंकर जयकिशन की पिक्चर लगे और मेरी भी पिक्चर लगे। अच्छा। वो समय आ गया था वो। तो कौन सा समय था वो? ये लीडर लगी थी। अच्छा। संगम लगी थी, लीडर हो गई नौशाद साहब की और संगम जयकिशन साहब की और शंकर साहब की और सेहरा रामलाल की, ये तीनों लगी थी एक साथ। शांताराम आप हमको बोले, रामलाल देखो कॉम्पिटिशन में पिक्चर आ रही है लीडर संगम के साथ। मैं बोला अन्ना साहब, हमने बहुत बरत पहले ऐसा सोचा था कि लोगों के साथ मेरी पिक्चर लगे। बोला ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। मैं बोला मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं पिक्चर लगने दीजिए फिर देखिएगा। कभी आपने सोचा था कि फिल्म इंडस्ट्री में आप आएंगे? कभी नहीं सोचा था। फ्लूट प्लेयर बनना चाहते तो शहनाई वाला बन गया, शहनाई वाला बनना चाहते तो संगीतकार बन गया। मुंबई एक ऐसी जगह है जो इंसान का कई बार इम्तहान लेती है, लेकिन जब इंसान कामयाब होता है तो उसको सिर माथे पे भी बिठाती है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए हैं जो यहाँ कई कई बार आए और फिर डिसअपॉइंट होके चले गए। बोले आपके साथ में भी ऐसा हुआ कि आप पहली बार में आके जम गए कि कई बार आप वापस गए? नहीं जी, आया तो फिर यही का हो गया। आपने सी रामचंद्र उनके साथ में भी काम किया, वसंत देसाई साहब के साथ में भी काम किया, और इन दोनों ने खासतौर से भी शांताराम साहब की बहुत सारी फिल्मों को संगीत दिया। एक नवरंग एक फिल्म आई, नवरंग, आपने उसमें संगीत दिया, उसमें मतलब बजाया? बजाया, बजाया। अच्छा, तू छुपी है कहानी बजाया। अच्छा, उस गाने में भी शहनाई बजाया हूं। शहनाई। हाँ। और शांताराम बापू ने कहा, रामलाल हमारी कोई फिल्म का म्यूजिक इतना हिट नहीं हुआ, इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना सेहरा का हुआ। ये उन्होंने कहा। बोले हमको बड़ी खुशी इस बात की। और किससे किससे आपको मुबारकबाद मिली? सेहरा के बाद तो हमको दो ही तीन आदमी तारीफ किए इंडस्ट्री के, बाकी किसी ने कुछ बोला नहीं। मगर कोई इंडस्ट्री का आदमी ये नहीं बोला, रामलाल जी ने आपने क्या किया। श्री वसंत देसाई साहब, अन्ना साहब और ऐसी दो एक, मदन मोहन साहब। अब ये बताइए, देखिए बातचीत का सिलसिला ऐसा है कि जब वो छोड़ता है ना, हाँ, तो फिर आदमी गुम हो जाता है उसमें, लेकिन हमें भी बार बार लौट के आना है क्योंकि हमारे तमाम सुनने वाले न केवल वो आपकी यादें आपके साथ में बांट रहे हैं, बल्कि ये भी चाहते हैं कि आप उनको अपनी पसंद का गीत भी सुनाएं। तो अब ये बताइए कि कौन सा गीत आप उनको सुनवा रहे हैं? तो कमल जी, नवरंग का बात चला था, नवरंग का गाना सुना दीजिए, तू छुपी है कहाँ। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन का ठीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, Thank you.
छुपी है दिल का जहां, छुपी है कहां, मैं तड़पता यहां। तेरे बिन चांद की फीकी है चांदनी, मेरे गीतों को छोड़ चली रागिनी, जान तन में है पर मन तो बेजान है, तू थी आवाज बाकी सब सुनसान है। तेरे बिन फीका है दिल का जहां, छुपी है कहां, मैं तड़पता यहां। आसमान आ गया पूनम का, ये कौन फूल महका, ये कौन पंच चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी, दिल जो मेरा बहका, लो तन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई, छिड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया, सूरत है मेरे सपनों की तू सोहिनी, जमुना तू ही है, तू ही मेरी मोहिनी, तेरे बिन
फीका फीका है दिल का जहां चुपी है कहां मैं तड़पता यहां तू चुपी है कहां चुपी है कहां चुपी है कहां। श्रोताओं, विविध भारती पर आपने ट्यून किया है प्रोग्राम उजाले उनकी यादों के, जिसमें वरिष्ठ फिल्म संगीतकार श्री रामलाल, आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। रामलाल जी, ऐसा है कि पुराने फिल्मों का जो संगीत हुआ करता था उसके बारे में कहते थे कि उसमें मेलोडी जो है वो क्वीन हुआ करती थी, मधुरता माधुर्य उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती हुआ करती थी। और आजकल सचमुच आज के गीत सुनने के बाद में ये कहना पड़ता है मेलोडी के लिए कि तू छुपी है कहाँ, और वो पुराने गीतों में ही छुपी हुई है। बहरहाल उस समय कौन कौन से जो गीतकार थे जिनके साथ में आपने काम किया? गीतकार तो हमारे साथ नेपाली भी थे, गोपाल सिंह नेपाली थे जी, दीपक कुमार सरस्वती, हसरत जयपुरी थे। ये जो गूंज उठी शहनाई फिल्म आई थी, हाँ, उसके नाम के आगे शहनाई लगा हुआ है, हाँ, तो उसमें तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब का नाम भी है। क्या बात और है? आपने भी उसमें बजाया ना? हाँ, क्या था वो, विजय भट्ट साहब ने हमको कहा था, बात हुई थी उनसे कि हमारा एक टाइटल आएगा, एक टाइटल बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड सॉन्ग, बैकग्राउंड शहनाई एंड सॉन्ग शहनाई प्लेड बाई रामलाल, एक टाइटल आएगा, और सोलो शहनाई प्लेड बाई बिस्मिल्ला खान, एक टाइटल आएगा। तो जब हमने टाइटल महबूब स्टूडियो में देखा तो हमारा नाम चार आदमियों के साथ था, छोटा सा एक जगह पर। तो फिर हमने पिक्चर 35 साल नहीं देखी, हम बोले छोड़ो, जो बैकग्राउंड बजा दिया, गाना बजा दिया, बजा दिया। तो विजय भट्ट जी बात अपना पूरा किए नहीं, इस बात का हमको दुख हो गया, बोलकर हमको ऐसा क्यों नहीं किए। तो हमको यही लगा वो पिक्चर देखने के बाद, गुंजू से शहनाई के बाद, कि शुरुआत मेरे से होती है शहनाई, शहनाई जो कॉल शुरू होता है गुंजू से शहनाई, वो मेरी शहनाई से शुरू होती है। ये हमको फील हो रहा है कि खासा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा, हमको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, मगर बैकग्राउंड में हमारी भी शहनाई हमको सुनाई दे रही है, ऐसा लगा। ऐसा है कि रामलाल जी, आपने तो यादों की शहनाई छेड़ दी है, लेकिन इस वक्त हम चाह रहे हैं कि आप अपना कोई प्यारा सा गीत हमारे सुनने वालों की नजर करें, उन्हें सुनवाएं, ताकि तो यही बजाइए आप, गूंज उठी शहनाई। Oh,
मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, हाँ मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत में तासीर है, मेरी मोहब्बत में तासीर है, तो खिंच के मेरे पास आओगे तुम, देखो हमारी होगी जीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। फिल्मों की उस समय रिकॉर्डिंग में, आजकल तो रिकॉर्डिंग टेक्निक बहुत ज्यादा डेवलप कर गई है, ऐसा कोई गाना आपको याद आता है जिसकी मैं जिसकी रिकॉर्डिंग में आपने बहुत कम वक्त लिया? हर एक गाने मेरे ऐसी है, ये तो मालिक की मेहरबानी है ऐसी कि कोई हमारे रिटेक तो होते ही नहीं था कोई। एक बात ऐसा बता, मैं विजय भट्ट की एक पिक्चर थी, विजय भट्ट साहब की, चित्रगुप्त उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, मैं पहुंचा और सब तैयार थे, और हमारी शुरुआत में भी सोलो, पहला अंतरा सोलो, दूसरा अंतरा सोलो, दो तीन पीसेज मेरा सोलो सोलो, तो चित्रगुप्त साहब बोलते हैं रामलाल जी इज्जत आबरू आपके हाथ में है। बोला साहब उस मालिक के क्या हाथ में है, सब देखिए आप कर लीजिए, एक टेक ओके, पहला ही टेक ओके। हमारे साथ कभी मालिक की मेहरबानी से किसी चीज में रिटेक नहीं हुआ। नहीं, ये सुनने में आया था कि किसी आर्टिस्ट को जाना था, शायद लता जी थी या आशा जी थी। हाँ, लता भाई थी, माय मच्छंदर। बताइए उसके बारे में। वो दो गाने रिकॉर्ड थे, तो एक गाना में 12:30 बजे खत्म हुआ, तो लता जी ने हमको कहा कि रामलाल जी मुझे पंडित रवि शंकर की रिकॉर्डिंग में जाना, गोदान का रिकॉर्डिंग था शायद उस वक्त। तो उस वक्त बोले लता जी आपको कितने बजे जाना है, बोले 1 बजे जाना है हमको, 15 मिनट रह गया था, 15 मिनट में गाना रिकॉर्ड, फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड कर लिया। कौन सा गाना था? जब से नैना ये लड़े हैं तेरी राहों में खड़े हैं, हम तो हुए मजबूर, हो बालम पास रहो या दूर, हाय जब से नैना ये गाना था। रामलाल जी, एक चीज मेरे जहन में कई बार सवाल की तरह कौंधती है, जब हम कोई पेंटिंग देखते हैं, कुछ ऐसी कोई बहुत अच्छी शेर व शायरी पढ़ लेते हैं, और ऐसी जब कोई बहुत अच्छा गीत सुनते हैं, उसका संगीत मीठा सुनते हैं, तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे बना देते हैं भाई, ये जो इसमें दर्द जो है और इसमें जो खुशी का एहसास है, इसमें उमंग का जो एहसास है। अब जैसे मैं याद आता मुझे वो आपका गाना रफी साहब का गाया हुआ सेहरा का, तकदीर का फसाना जाके किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तो ये जो चीज है, ये दर्द है, क्या इसलिए कि आपने भी बहुत दर्द झेला है जिंदगी में, इसलिए आप उसको महसूस कर सके और उसको अपने गाने में डाल सके? नहीं, ये तो बात है ही है, मगर साथ में ये है कि हमने इतने आदमियों के साथ काम किया है कि सबों का कलर हमको मालूम है, इसलिए हमारा कलर हमने हटके दिया है। ये जानना चाहता हूँ, आप अपने आपकी जबान समझाएंगे कि आप खुद बताएं कि आप अपने संगीत की खासियत किस चीज को मानते हैं, क्या क्या पहचान है आपके संगीत की? भाई हमारे हिसाब से तो है कि हमारे संगीत का पहचान ही है कि मेरा संगीत भारत का संगीत है। वाह, लगता है कि ये भारत का संगीत है। मारू बिहार सुन लो, दुर्गा सुन लो, देश मल्हार देश राग सुन लो, तकदीर का फसाना, आप सबको मेघ मल्हार सुन लो, उसी में भैरव भी है, उसी में भैरव पूरा धनश्री भी है, तेरे ख्यालों में हम, बताइए जरा सा, तेरे ख्यालों में हम जो गाना है वो मेघ मल्हार में है, तेरे ख्यालों में हम, तेरी बाहों में हम, अपने हैं दोनों जहां, आदा ना ना ना, तो ये मेघ मल्हार में, फिर इसका अंतरा आता है भैरों में,
इसमें मेरे गले का ऑपरेशन हुआ बॉम्बे हॉस्पिटल में, इसलिए जरा गिरवा गला ठीक नहीं है। मगर ये सब रागों में है, ऐसे सब रागों में हर एक चीज में, तो ये बताती है कि ये भारत का संगीत है। ये गीत जिसको आपने गुनगुनाया था, गीत गाया पत्थरों ने? गीत गाया पत्थरों ने, आशा भाई ने गाया है। जाहिर है कि साहब सच में गीत ऐसा है कि पत्थर भी गुनगुनाने लग जाएं। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये फिल्म सेहरा के कितने साल के बाद में आपको मिली? ये उसी के बाद ही बनी ना, उधर रिलीज हुई 63 में और गीत गाया पत्थरों का काम शुरू 65 में शुरू हो गई। आपने खुद कहा था यहाँ पर भी ये फिल्म मुझे चाहिए कि उन्होंने खुद अपने आप खुद ही दिया, खुद ही दिया इस बार आपको अपने आप। हाँ, मुझे कहा रामलाल गीत गाया पत्थर बनाना है, तुम्हारा पगार भी 800 हो गया। हम बोले ठीक है साहब। रामलाल जी कभी ऐसा मौका भी आया कि बैठक हो गई और ये तय हो गया कि भाई ये धुनें जो हैं तय हो गई हैं, उसके बाद में आप घर चले गए और लेकिन दिमाग में फिर से कोई धुन नहीं आई है और फिर वापस चले आए? ऐसा हुआ, ऐसा कई दफा हुआ, इसी को लेकर सोचते सोचते फिर घर में, फिर वहां से बस पकड़कर फिर राजकमल पहुंच गया। फिर राजकमल हॉल में चला गया, जाके बाजा तो बाजा का आवाज सुनकर अन्ना साहब फिर आए, वहीं संध्या बाई का रिहर्सल चलता था। अरे क्या हुआ रामलाल फिर आ गए? बोले नहीं अन्ना साहब कुछ हमारे दिमाग में कुछ तरह जागे आगे बना। अरे वाह वाह बहुत खुशी की बात, हमको ऐसी आदमी चाहिए। बोले तो ऐसा कई दफा ऐसा हुआ। ऐसा है कि आपकी मेहरबानी से हमको अच्छा संगीत भी सुनने को मिल रहा है। मालिक की जय हो। तो रामलाल जी गीत गाया पत्थरों ने, इसका जिक्र आपने किया, हम चाहेंगे कि इसी का एक गीत आपने गुनगुनाया भी था। हाँ। वही गीत क्यों ना सुना दिया? सुनाइए। Thank you.
रामलाल जी, शास्त्रीय संगीत की बाकायदा आपकी तालीम हुई, लेकिन इतना कुछ सीखने के बाद में आप फिल्मों में क्यों चले आए? फिल्मों में तो क्या है कि मैं कुछ नई बात पैदा करो, नया कुछ बनाओ, इसी में रहता था मैं। इसीलिए हम म्यूजिक डायरेक्टर, हमने सोचा नहीं था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, बन गया, बना दिए लोग। गीत गाया पत्थरों ने मेरे ख्याल से जितेंद्र साहब की भी पहली फिल्म थी। हाँ। लेकिन हीरो के बतौर नायक के रूप में गीत गाया पत्थरों, गीत गाया पत्थरों ने थी। और इसमें शांताराम साहब की बिटिया, हाँ राजश्री जी थी, उन्होंने काम किया था इसमें। ओ साथ अगर पहलों में एक मस्ते शबाब एक जाम हो और हाथ में शेरों की किताब, एक साज हो और साज पे गाती हो हसीना, बन जाए ये वीराना बहारों का जवाब, बन जाए ये वीराना बहारों का जवाब, मंडवे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं, मंडवे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं। ऐ रात तू न जाना, ऐ चांद तू न जाना, ये नौबहार चुपके से देखो नजरें न तुम लगाना, मंडवे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं। मौसमें इश्क है जरा होश संभाल, हासिल तुझे महबूब है अरमान निकाल, कुछ बात तो कर ले के नहीं कल की खबर, क्या है गमे दुनिया इसे खाक में डाल, क्या है गमे दुनिया इसे खाक में डाल, मंडवे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं, तले। रामलाल जी, आजकल तो एक एक फिल्म का संगीतकार को लाखों रुपए मिल जाता है, 6 या 7 गाने करने के 7-8 लाख रुपए मिल जाते हैं, और जाहिर है कि आप लोगों के समय में इतना पैसा तो नहीं मिलता। नहीं था, इतना नहीं था। बहुत चोखा काम, लेकिन बहुत सस्ते में कर दिया। और कभी मलाल होता है कुछ कि भाई? नहीं, मलाल किस बात का, उस वक्त काम होता था, पैसा कम मिलता था, तो भी संतोष था, बहुत बहुत आनंद था। अब अभी तो हजारों मिलते हैं, मगर उस वक्त इतना मिल के भी कुछ खिसे में पैसा रहता था, अभी कुछ नहीं बचता। जो आता है 1000 भी आता तो वो भी 300 रुपये आने जाने में हो जाता है। संघर्ष आपको करना पड़ा? बहुत जबरदस्त। हमारे जब जगह दूसरा आदमी होता तो भाग जाता मैदान छोड़कर। ये बताइए मुझे कि इस उम्र में भी कभी कभी बांसुरी और शहनाई छेड़ने की नहीं छेड़ती? नहीं, अभी छोड़ दिया मैं। अब छोड़ दिया, अभी क्या बजाने की जरूरत है, महाराज गवर्नमेंट हमको पेंशन देती है, अभी फ्लैट भी दे देगी, चलो
जो भी मिल जाए ठीक है, भी हमको चाहिए भी क्या, हमारा खर्चा भी क्या है। लेकिन इस वक्त ऐसा है कि आपने जो धुने बनाई हैं और जिनमें खासतौर से साज बजाए हैं, ऐसे गीत मुझे और याद आ रहा है। मेरे ख्याल से ये हैं जन्म जन्म के जन्म जन्म के फेरे। जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे, सांस सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचे रे। ये है जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे। जन्म के फेरे, मथुरा जा वृंदावन जा, चाहे फेरा लगा ले तू काशी का, सब कुछ सहना पड़ेगा, बंदे चक्कर है लख चौरासी का। माया मोह के ये घेरे, मत लोभ क्रोध के अंधेरे, सांस सवेरे सबको घेरे, इनसे न कोई बचेरे। ये है जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे। रामलाल जी, साज के साथ आवाज होती है, राग के साथ रागनी की भी बात की जाती है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कौन रागनी बन के आई और उन्होंने आपकी शहनाई जिंदगी की कब छेड़ी। मतलब मैं आपकी धर्म पत्नी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। हाँ, नहीं, हमारा 56 में हमारी वाइफ से मेरा मुलाकात हुआ। अच्छा, और इसी वक्त शादी हुआ। उनका भी संगीत की दुनिया से कोई ताल्लुक? हाँ, वो भी गाना संगीत उनको भी मालूम है, गाती हैं थी वो। अच्छा अच्छा। हाँ, इंग्लिश गाना गाती थी वो। अच्छा। हाँ, आपके परिवार में और कौन कौन? मेरी बेटी है एक, और मेरी बेटी की दो बेटियां हैं। अपना खाली वक्त कैसे गुजारते हैं आप? मैं बस उस नारायण भगवान को ओम नमो नारायण करता हूँ। एक सवाल मेरे मन में आता है कि आपने तो बहुत बड़े बड़े और दूसरे भी डायरेक्टर्स के साथ में काम किया। वी शांताराम जी के बारे में आपने बता दिया, इसके अलावा जमाने में बिमल रॉय थे, गुरदास थे। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इन लोगों के बारे में कुछ बताइए। बिमल दा तो हमको पिक्चर दिए थे अपनी दो बीघा जमीन। अच्छा, वो भी मुझे बहुत पसंद करते थे। फिर पी एल संतोषी साहब उनको सिलेक्ट किए, टांगा वाला। सौरभ मोदी साहब का एक पिक्चर हमने किया, डॉक्यूमेंट्री थी झांसी की रानी के बाद, झांसी की रानी में भी मैं बजाया हूँ शहनाई फ्लूट। तो ऐसे करते करते शांताराम जी ने हमको सिलेक्ट किया। एक महीना सुनने के बाद एक फिल्म आई थी रानी रूपमती, रानी रूपमती, और जो रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी पर आधारित है। हाँ, हाँ। इतिहास में दोनों एक प्रसिद्ध चरित्र हुए हैं। इसमें बहुत सारे जो गीत आए हैं उनमें भी आपने बैकग्राउंड? हाँ, बैकग्राउंड भी बजा, गाना भी एक उसका बहुत पॉपुलर हुआ है। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।
आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगी, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मी, बरसे गगन मेरे बरसे नैन देखो तरसे है मन अब तो आ जा। शीतल पवन ये लगाए अगन हो सजन अब तो मुकड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मी। राणा जी, कई बार ऐसा होता है कि वक्त को आवाज दे करके और उन गीतों को जो उन वक्त की वादियों में गूंजते हैं आवाज देके बुलाने का मन करता है कि इसी तरह से आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। या अब ऐसा है कि आ लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे मीत बुलाते हैं, ये उल्टा कर देना चाहिए इसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, हमारे इस प्रोग्राम में आए। हम अपनी ओर से, अपने सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नमस्कार, नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे थे वरिष्ठ फिल्म संगीतकार श्री रामलाल से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग अनंत पेवेकर का था और प्रस्तुति सहयोग उषा मेहता का। अब रेणु बंसल को दीजिए इजाजत।